आपके दल के माध्यम से बता रहे हो भाई, जेब अपनी बिना जेब के कुर्ते पहन लो, इस तरह के अधिकारियों में बहुत जल्दी काज करने वाली है। यह गोद वाला सवाल आपने गलत पूछ लिया, गोद तो भी खाली रहेगी पब्लिक का मिनिस्टर होते हुए। अब गोद जानी बनेंगी। एक आखिरी सवाल है सर, आपकी एक और वीडियो थी एक जनसभा की, जनता के आखिरी है जी नाना कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी सवाल जो खास था वो टाल के चले गए हैं, तो कदे फिर मौका मिलेगा तो फिर पूछेंगे इनसे। ना किसे का दुश्मन है ना किसे का सागी, मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और इस टाइम बहादुरगढ़ में हाँ गणपति धाम पे, और हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा देवेंद्र सिंह बबली मौजूद हैं। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज की जो ग्रीवेंस मीटिंग थी उसमें आए थे समस्या सुनन, और उस मीटिंग के बाद इनसे बातचीत करेंगे कुछ इंडस्ट्रीज के मुद्दे, और हरियाणा ने लेकर भी कुछ सवाल जो हैं इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, राम राम। तो आज जो इंडस्ट्रीज की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ आए हो, पूरी समस्याएं सुनने के बाद क्या आश्वासन है आपकी तरफ से? देखिए, आश्वासन दिया गया है, सरकार बिल्कुल प्राथमिकता के साथ जो इनकी समस्याएं उनको हम दूर करने का काम करेंगे। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, और मंगलवार को हमारे जो इंडस्ट्री में हमारे बिजनेसमैन भाई हैं वो साथ बैठेंगे, और हमारे अधिकारी साथ होंगे, और जो समस्याएं हैं इनका पूरा एक रोड मैप बनाकर, ब्लू प्रिंट बनाकर प्राथमिकता के साथ इसको जल्दी इन समस्याओं को निपटारा किया जाएगा। मंत्री पद मिलने के बाद जिस तरीके से पीछे कुछ वीडियोज हमने देखे हैं, तो नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह एक्शन में नजर आए, लगातार भ्रष्टाचार करने वाले कुछ अधिकारियों को आपने बर्खास्त करा, तो उसने ये सिलसिला किस जारी रहेगा अगर इस तरीके की देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो ड्यूटी मेरे टवाड़े की जनता ने एज ए जनप्रतिनिधि मुझे दी, और आज सरकार में माननीय मुख्यमंत्री और दूसरे चौटाला जी ने मुझे दी है एज ए कैबिनेट मंत्री के रूप में, मैं अपना काम करता हूं और जो मेरी ड्यूटी है, और जनता की हमें जवाबदेही है, प्रदेश की जनता को और मेरे टवाड़ा की जनता को, हम हमारा काम करते रहेंगे और उसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिले, ये हमारी सोच है। अंदर भी जिस तरीके से एक साथी ने सवाल करा था कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की समस्या है कि इंस्पेक्शन के नाम पर कुछ अधिकारी जावे हैं, जबकि उनका वहाँ जाने का कोई तुक भी नहीं बनता, मनाही है कि जब तक हायर अथॉरिटी का कोई वो ना हो तो जब तक नहीं जा सकते। मामला संज्ञान में है। अब जो ये मैंने तो बोल दिया आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हो भाई, जेब अपनी बिना जेब के कुर्ते पहन लो, इस तरह के अधिकारियों पे बहुत जल्दी काज करने वाली है, और कानून के दायरे में, और जब कानून की कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होगी तो इस तरह की जो ये व्यवस्थाएँ इन्होंने बना रखी हैं, जो परंपराएँ चला रखी थी जिससे आम आदमी को परेशानी होती थी, अब वो सुधरनी शुरू होगी और आगे और बेहतर तरीके से सुधारेंगे। आपकी एक वीडियो थी जिसमें आपने एक बिजली अधिकारी कॉल पर धमका रहे थे कि सबसे भ्रष्ट महकमा बिजली वाला है, तो अब के क्या माहौल लगने लग रहे हैं, कुछ होया सुधार या? पूरा आज भी मैं सुबह मेरे कंस्टिट्यूंसी को लेकर समस्याएं थी, पूरे अधिकारी को मीटिंग लेकर आया हूं। देखिए, अगर जैसा आप जब जनप्रतिनिधि जनता चुनती है बहुत उम्मीद के साथ चुनती है, और अगर आप जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझ कर उस पर तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हर परेशानी का हल है, और मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में और बतौर मंत्री अपने डिपार्टमेंट में इन चीज़ों को ठीक करने में लगा, और उसका रिजल्ट भी आया है, और आने वाले समय बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। आप पंचायत एवं विकास मंत्री हैं, तो सरपंच की बाट मैं जो उम्मीदवार हैं उनकी भी गोज खाली होने लग रही है, बाट देखने लग रहे हैं, कद सी मौका मिला इलेक्शन लड़ा। यह गोद वाला सवाल आपने गलत पूछ लिया, गोद तो भी खाली रहेगी पब्लिक का मिनिस्टर होते हुए, अब गोद जानी बनेंगी, अब तो काम होवेंगे, काम करने वालों की इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, जनता भी करेगी और सरकार में भी होगा, और सितंबर माह में मैं उम्मीद करता हूँ सरकार तैयार है। इलेक्शन कमीशन का तारीख का भी वो इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्षेत्र है, तारीख वो तय करके बताएंगे और बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे। 2020 में एक फैसला लिया गया था कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा सरपंची में, तो वो कोर्ट में 4 दिन मामला है। अच्छा, जैसे कोर्ट से फैसला आएगा तो उसको लागू किया, उसके बाद लागू किया जाए। एक आखिरी सवाल है सर, आपकी एक और वीडियो थी एक जनसभा की कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो हैं या आप हो, आम जनता के आखिरी है जी नाना कोई बात नहीं बता जाओ तो देवेंद्र सिंह बबली जी से बातचीत करी, जो आज पंचायती चुनाव की बाट देखने लग रहे हैं उनके लिए भी जवाब दिया है कि सितंबर में पूरे पूरे चांस है इलेक्शन कराने के, और कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज़ की जो मीटिंग थी ग्रीवेंस मीटिंग, इनकी समस्याओं ने लेकर भी जल्द ही निपटारा शुरू हो जाएगा। लेकिन आखिरी सवाल जो खास था वो
टाल के चले गए हैं। आखिरी जिसमें एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि अगर मैं या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जनता के बीच में जावा तो हमने लो के हेलमेट लो के अंडरवियर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज जनता के बीच में है तो कदे फिर मौका मिलेगा तो फिर पूछेंगे इनसे कि आज जनता का किसा मूड देखे हैं वो। थम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा, इस वीडियो ने लाइक शेयर करियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।